बीच में फंस गए हैं गाइस, बड़े गंदे वाला क्लोजिंग सीन है और अपनी गाड़ी का फर्स्ट पहाड़ी ट्रिप शुरू हो चुका है अपनी। वेलकम टू शिमला ना भाई, आ गया सचिन भाई। यो तीन तीन ब्लॉगर एक साथ है। मैंने लोकल पुलिस वाले से पूछा लेकिन यार रास्ता तो गलत था, ये इन्होंने गलत भेज दिया हमें। ते हमारा रूफटॉप टेंट थार के ऊपर इस तरीके से माउंट हो चुका है। आप देख यहाँ पे ना पड़ोस में लोगों ने थोड़ा सा वहम भी डाल दिया कि यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं रात में। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। और अभी जस्ट तैयार हो चुके हैं, टाइम 9 बज चुके हैं और निकलते हैं शिमला के लिए। धूप भी निकल चुकी है, रात यार ठीक ठाक से नींद आई, ज्यादा बढ़िया तो नींद नहीं आई क्योंकि जो रूम लिया था मैंने उसमें ज्यादा वेंटिलेशन नहीं था यार। और ये अपनी गाड़ी, सुबह सुबह वार्म अप चल रहा है इसका भी, और इसको लेके अभी निकलते हैं हाईवे से। ये आगे शिमला रोड है। एवरीबॉडी मॉर्निंग मॉर्निंग, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं शिमला के लिए और ये रास्ता आगे शिमला की तरफ ही जा रहा है। कल मैं शिमला रोड पे रुका था। यहाँ से आप वैसे ट्रेन से भी जा सकते हो, यहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन। जब इधर स्नोफॉल होता है ना पहाड़ों में शिमला साइड, टॉय ट्रेन पे सफर करके देखना गाइस, एक्सट्रीम मजा आता है। आप देख सकते हैं कई सारे राइडर जा रहे हैं, बढ़िया है यार। मेरा भी इनको देख के कई बार मन करता है कि यार थार तो लिए है लेकिन ये चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं पहाड़ों के और उसी अकॉर्डिंग यार ग्रीनरी भी बढ़ती जा रही है, इस तरफ वैली शुरू हो चुकी है। अपनी गाड़ी का फर्स्ट पहाड़ी ट्रिप शुरू हो चुका है अपनी थार का। रास्ता जा रहा है ये कसौली को जा रहा है, जहाँ की मेरी बहुत मेमोरीज है यहाँ से ओके ऊपर पहले हम जाया करते थे जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। और हम अभी पहुंच रखे हैं धर्मपुर में और ये जगह है ना, ये इधर की भाई भी अलग थी यार। भाई एक टाइम में बड़ा जाते थे कसौली साइड, जब इधर आना होता था मेरा बहुत ज्यादा। तो एक तरफ की रोड आप देख सकते हो ना, ये शायद लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हुई हुई है। मनाली साइड जो आया था तूफान वो सेम इधर भी था। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अभी सोलन में। सोलन काफी बड़ा टाउन है। एक बार आपने नोट किया होगा जब भी आप मेडिसिन लेते हो कोई भी, उनके पीछे की साइड में एड्रेस देखना, मोस्ट ऑफ टाइम सोलन का ही होता है। ऊपर जो टेंट लगा हुआ है ना उसमें से भी हल्की हल्की आवाज आ रही है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कहीं रूट पे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं अपने, करीब 70 किलोमीटर की जर्नी हमने तय कर ली है और अभी जाके हम कर रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। इसके बाद में लंच करेंगे, वो शिमला में जाके करेंगे दोस्तों के साथ में, थोड़ी देर में मिलना हो जाएगा। अभी करीब 11 बज गए हैं। अरे नट बोल्ट हमने चेक कर लिए हैं ऊपर चढ़ के, बस ये पीछे के साइड में ये वाले है ना ये टाइट ही नहीं हो रहे हैं, ये खराब है यार। और यहाँ से खाना पीना भी हो गया है, तो भी निकलते हैं आगे शिमला के लिए। आज नारकंडा के आसपास कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं, कहीं परमिशन लेके कहीं कैंपिंग करेंगे। का व्यू देखो कितना गजब ही है और मैं अभी शिमला से ज्यादा दूर नहीं हूँ, कोई 20-21 किलोमीटर बचा है, बस रोड ही खराब है एक तरफ। ये एरिया काफी डेवलप है ना क्योंकि यार हिमाचल की राजधानी है शिमला। वेलकम टू शिमला, शिमला 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 में एंट्री हो चुकी है भैया अपनी। गाड़ी यहीं रोक के जा रहे हैं, वो उधर अपना एक दोस्त वो रहा, तो मिलते हैं उनसे ना। भाई आ गया सचिन भाई, यो इसका एक्साइटमेंट अलग ही है भाई, फाइनली मिल गए हैं जयपुर के मेरे दोस्त। और शिमला तो भाई क्या गजब ही लग रहा है, मैं पहले आया था 8-10 साल पहले, तब तो अलग ही था, मतलब बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिल रहा है इधर से। अभी यहाँ से कुछ खाते पीते हैं हल्का फुल्का सा और उसके बाद चलेंगे नारकंडा स्टे करेंगे। ये देखिए अपना एक और भाई आ चुके हैं किशन भाई। किशन क्या नाम है तेरे ब्लॉग का? लोनिया। लोनिया किशन, लोनिया भाई नहीं लोनिया, लोनिया भाई का ब्लॉग चैनल है। तीन तीन ब्लॉगर एक साथ है यार। अभी यहाँ से कुछ खाते पीते हैं उसके बाद निकलेंगे कुफरी होते हुए नारकंडा। अपना फूड आ गया भाई, परोंठे सचिन भाई ने आते ही सेवा पानी शुरू करा दिया है। अभी जल्दी से खाते हैं पीते हैं किशन भाई, फिर निकलना है यार। थार में एक्स्ट्रा सामान काफी डाल लिया है, बाकी बाइक पे लोड कर रहे हैं। ठीक है, बाइक जितनी हल्की रहेगी उतना ईजी चलती है। और इस तरफ से आपको दिखाते हैं शिमला का व्यू। मैं तो शिमला अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आते टाइम हम देख के आएंगे सारी चीजें क्योंकि अभी वैसे भी लेट हो रहे थे, तो शाम हो जाएगी अगर हम नीचे चलते हैं तो। तो हम हैं हिमाचल की राजधानी शिमला के अंदर। अंग्रेजों के टाइम पे भी यहाँ पे मतलब ये राजधानी हुआ करती थी। इसका रेलवे स्टेशन है ये जो राइट में आपको दिखाई दे रहा है,
शिमला का। तो ये जो इस तरफ जो राइट में आपको व्यू देखने को मिल रहा है ना, ये इस चीज को देख के मतलब ऐसे रॉयल्टी दिखती है भाई, ऐसी चीजें मनाली में नहीं देखने को मिलती है। मतलब पहाड़ों में आप आओगे तो शिमला ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इस तरीके से रॉयल्टी देखने को मिलेगी। यहाँ एक टनल सी थी, उस टनल के पास से रास्ता था लेकिन हम आगे निकल लिए क्योंकि मैंने लोकल पुलिस वाले से पूछा मेरे साथ नारकंडा के लिए किधर से रास्ता है, वो बोले कि स्ट्रेट ही चले जाओ, लेकिन यार रास्ता तो गलत था, ये इन्होंने गलत भेज दिया, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए यार। शिमला इतना बड़ा है ना, इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो जो लोग मनाली जाते हैं वो लोग सोलांग जाते हैं स्नो देखने के लिए, और जो लोग शिमला आते हैं वो लोग कुफरी जाते हैं देखने के लिए। We हैं हम ऑन द वे टू नारकंडा, और नारकंडा से पहले ही कोई ऐसी कैंपिंग लोकेशन देख लेंगे हम जहां थोड़ी सी अच्छे से हम कैंपिंग कर पाए। और हम अभी जा रहे हैं सबसे पहले अभी आने वाला है कुफरी, जिसकी वजह से ये जाम हमें देखने को मिल रहा है, और कुफरी काफी खूबसूरत है। तो मुझे जहां तक लगता है ये ट्रैफिक कुफरी तक ही रहेगा, उसके बाद शायद कम हो जाए। अभी तो ये डेनिम जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंडी सी शुरू हो गई, तो इस सीजन की पहली जैकेट हमने डाल ली है। बस तो और भी हैवी पड़े हैं हमारे पास कपड़े। कुफरी की मार्केट आप देख सकते हो, बड़ा सुंदर सा हिल स्टेशन है यार कुफरी। वैसे रुकने के लिए अच्छी जगह है, हो सकता है आते टाइम हम कुफरी रुक जाए। ये यहाँ पे याक देखने को मिल रहे हैं, याक देख सकते हैं आप, थारगढ़ी है। और इस तरफ का नजारा देखने के लिए मैं कई देर से बेताब था। ओ भाई साहब, बहुत ही गजब नजारा है भाई, गजब। ये देखिए, सी एवरीवन, ये इधर से हम आए हैं कुफरी की साइड से, और नीचे इतनी खूबसूरत सी वैली है भाई, बहुत ही खूबसूरत वैली है। बस तो धूप है लेकिन हल्की फुल्की ठंड लग रही थी नीचे की साइड में जब नीचे थे। हम है ये कोई रस्ते में एक जगह है, पता नहीं नाम तो आई डोंट नो कि क्या है इस जगह का, बट इस रोड पे आगे चल के है नारकंडा यार। कच्चा रास्ता आ गया है, रोड का काम चल रहा है थोड़ा। अबे रुक, इतनी लोगों में जल्दबाजी है ना, कोई हद नहीं है। बहुत गंदे वाला रास्ता है, थार तो पूरी झूल झूल के चल रही है। अब ये जब झूल के चलती है ना तो सारा सामान इधर से इधर हो जाता है, बट जब दो व्हीकल बराबर आते हैं ना, एक तरफ क्या पार्किंग लगी है लोगों की गाड़ियों की, तो उस वजह से जाम हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, थोड़ा ज्यादा। पीछे फंस गए हैं गाइस, बड़े गंदे वाला क्लोजिंग सीन है, अगर किसी ने पास टच कर दिया ना और बीच में फंसा लेते हैं कोई, देख आपने देखा होगा वीडियो में, कोई राइट फंसा रहा है, कोई लेफ्ट फंसा रहा है, कोई ऐसी गाड़ियां जो ना धक्के से बैक हो रही है। देवदार के, देवदार के पेड़ आ गए हैं भाई, फॉरेस्ट साइड देख सकते हो आप, कहीं धूप है तो कहीं छांव है। ये है मतियाना, मटियाना करके जो भी ऐसा नाम है, मतियाना है या मटियाना है, ऐसी जगह आई है। एक तरफ बहुत शानदार व्यू है, इसको एप्पल वैली बोला जाता है, इस तरफ एप्पल ही एप्पल के पेड़ है, और इधर तो भाई हाईवे है, और हाईवे पे भीड़ है, और भीड़ के बीच में हम हैं। पहुंच चुके हैं नारकंडा और यहाँ से करा रहे हैं टैंक फुल। इसके बाद में पेट्रोल पंप आता है क्या नारकंडा के बाद में? आएंगे चल, बहुत है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकल बोल रहे हैं कि बहुत सारे आएंगे आगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एक बार देखते हैं कितना खाता है, ऑटो कट तक ही डाल देना ना। भाई भी यहाँ से टैंक फुल करवा रहे हैं। पीछे के साइड का व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है, और वो आप देख रहे हैं ना, वो सारे एप्पल के पेड़ हैं, एप्पल के बाग लगे हुए हैं, खेत हैं, जिनको ऐसे कवर अप किया जाता है क्योंकि अभी एप्पल टूट गए हैं, अभी तो अगले साल ही होंगे। और ये देखिए इस पहाड़ पे तो लाइटिंग है, अच्छी खासी सूरज की धूप है, और इधर आगे चल के नारकंडा आएगा। ऐसी जगह आके एक ही बात दिल में आती है कि यार बहुत मजा आ रहा है, बाकी यार ठंडी बहुत ज्यादा है इधर, अच्छी खासी ठंडी है। रात में अगर हम कैंपिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी बहन बच जाएगी इधर, लेकिन कोई नहीं, कोई अच्छी सी जगह जाके करेंगे हम कैंपिंग, तो जरूर करेंगे, कोई अच्छी जगह जाके करेंगे। नारकंडा पहुंच गए हैं, इधर यार प्रॉपरली पार्किंग ही नहीं मिलती यार व्हीकल की, कुछ दिनों बाद तो इधर स्नोफॉल हो जाएगा, और वो भी इतना तगड़े वाला कि सब कुछ व्हाइट हो जाएगा इधर। देख सकते हैं हमारा रूफटॉप टेंट थार के ऊपर इस तरीके से माउंट हो चुका है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक आ रहा है। अभी मैंने ये सब चीजें बंद रखी है इसकी, ऑफिशियली हमने इसको आज ही ओपन किया है वैसे आप देख सकते हो। और बाकी भाई लाइटिंग वाइटिंग तो अभी ज्यादा कुछ हम लेके नहीं आए, भूल गए हैं, इसमें किचन का सामान है, एक टेंट एक्स्ट्रा लाया हूँ। ये देखो चाय बन रही है, सचिन भाई चाय बना रहे हैं, गजब वाल। और इधर पीछे के साइड में आप देख सकते हो, इधर जंगल सा बना हुआ है,
प्रॉपरली। और इधर आगे एक रिजोर्ट है, ये एक माता का मंदिर है, तो सेफ जगह लगी, तो हमने यहाँ पे टेंट माउंट कर लिया, देख सकते हो आप। चाय और ये भेलपुरी और सब खा रहे हैं बढ़िया से। तो गाइस देखिए ये टेंट काफी स्पेसियस है, अभी लाइट मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, देखो कितना स्पेसियस है, बहुत खुला खुला है, आराम से 2-3 पर्सन आ सकते हैं इसमें। और अभी तो इसमें मैं अकेला ही हूँ, सचिन और उन्होंने तो नीचे ही फिक्स कर लिया अपना, कहते हैं हम तो यहीं सोएंगे। तो मैं अभी इसमें बैठ के कुछ देर करता हूँ एडिटिंग, अपने को डेली शॉर्ट निकालना है, 100 डे चैलेंज लिया है, तो वो काम कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट आप लोगों से बात करते हैं। ये कुछ भाई आए हैं यहाँ के लोकल, और ये तो भाई कुछ ज्यादा ही क्यूट है, ये लड़का स्टार बनेगा आने वाले टाइम में। और ये अपना भाई ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है। और ये अपना किशन भाई, और ये सचिन भाई, कुछ बोल दो बातें। अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ भाई, आप जैसे ये कैंपिंग में आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना भाई किशन तेरा, कैसा लग रहा है भाई रियल में बता? बहुत आनंद आ रहा है, सुपर अमेजिंग। और दूसरा, अच्छा देखो एक बात ये भी है कि भाई अगर मैं नहीं आता इस ट्रिप में तो क्या आप लोग कैंपिंग करते? यार ये साल तक तो नहीं करता। हाँ, इस चीज का फील नहीं आता भाई, इसका फील है। तुम कल फिर बोलोगे चल दीप भाई कैंपिंग करते हैं। जी बॉनफायर वगैरह जल्दी है, अभी थोड़ी देर यार खाना पीना करते हैं, थोड़ा ठंड लग रही थी तो मैंने ये सचिन भाई वाला पहन लिया है। और अभी थोड़ा सा कुछ और बनाएंगे, आज रोटी वोटी तो बनाई नहीं हमने, तो जो भी रेडी टू ईट वाला फूड है वो सब बनाएंगे। अभी हम आ चुके हैं टेंट के अंदर, और तीनों हम टेंट के अंदर आ चुके हैं ऊपर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे ना पड़ोस में इन लोगों ने थोड़ा सा वहम भी डाल दिया कि यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं रात में, थोड़ा सा बच करें। तो नीचे हमने टेंट लगाया था, वो एक बार एज ए टीज हमने वैसे का वैसे रख दिया है, क्योंकि उसको सुबह के टाइम में समेटेंगे। और अभी हम सभी आ चुके हैं टेंट के अंदर, और काफी स्पेशियस है यार। अब इस वीडियो में तो मतलब इस फुटेज से आपको आइडिया नहीं लगेगा, 0.5 करूंगा तो आपको सही आइडिया लगेगा उस कॉर्नर पर। हम तीन आदमी खुले खुले सो सकते हैं हमें, और तीनों ने स्लीपिंग बैग निकाल ली अपने, मेरे पास तो पहले ही था इन दोनों के लिए, मैं आर्मी वाला लेके आया हूँ -30 डिग्री का। तो भी करते हैं ब्लॉग एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। देखो आपके लिए कितनी सब चीजें कर रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, जंगल में टेंट लगा लगा के जाके, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है जिंदगी के साथ रिस्क ले रहे हैं, लेपर्डों के बीच में सो रहे हैं रात को, और क्या, सब्सक्राइब करो यार जाके जल्दी से, और बाय बाय।